पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज में एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सौजन्य से विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज में योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सौभाग्य मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक ऋतु नारंग ने सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को अनिवार्य बताते हुए योग के महत्व को बताया। देखें आपके श्वास की आवाज ना है, श्वास करें। छोड़िए, ब्रीद इन, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी आज इंटरनेशनल योगा डे के लिए। आज का योगा डे जो है आज बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। शुरुआत हुई पुलिस से, पुलिस लाइन में, और उसके बाद एक्सपोर्टर्स, डॉक्टर्स, उसके बाद पूरा दिन आज एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग योगा। बिकॉज योगा जो है आज सब ने मान लिया है और समझ लिया है कि इसे इंटीग्रल पार्ट हमें अपने जीवन का बनाना ही बनाना है। आज हमने कोरोना में बहुत बारीकी से देखा है कि शरीर का कितना बड़ा महत्व है। हम लोग भाग रहे थे कहीं और लेकिन जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्तर था हमारा एक खूबसूरत शरीर, और इस शरीर के लिए अगर हमने समय नहीं दिया तो हमने बहुत कुछ इसको देखा भी है। इसलिए योगा और प्राणायाम हमें अपने जीवन शैली का एक अद्भुत अंग बनाना चाहिए। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज माँ बाप को जैसे बचपन में पेरेंट्स सिखाते हैं ब्रश करना, भोजन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये खाओ वो खाओ, ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी आप सब इस बात का खास ध्यान रखें, बचपन से ही बच्चों को योग और ध्यान का ज़रूर एक ज्ञान पढ़ाएं। यह ज्ञान मेरे देश का है और इस ज्ञान का हमें भरपूर उपयोग भी करना चाहिए, और जब इसे उपयोग करेंगे अपने आप हमारे लंग्स और इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। इसलिए योग और ध्यान से ही होगा, और ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, 21 जून ही नहीं 365 दिन बनाइए और योग को अपने जीवन शैली में मुस्कुराते हुए एक अद्भुत हिस्सा बनाइए। जय हिंद, जय भारत। इसके पश्चात उपस्थित जनों को योग कराया गया। इस अवसर पर एमएचए के संरक्षक नजमुल इस्लाम, एमएचए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, एमएचए के महासचिव अवधेश अग्रवाल, सतीश धीर, विनय गुलाटी, सुरेश गुप्ता, ईपीसीएच के सीओए नबील अहमद, नदीम खान, यस के नेशनल वाइस चेयरमैन उदित शरण अग्रवाल, यस के चेयरमैन विशाल अग्रवाल, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी और यस के महासचिव रोहित ढल, YWWC से ट्रेजरार राधिका और डायमेक सर्विसेज से तानिया भाटिया, गोल्डन गेट स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद खन्ना, संयुक्त व्यापार सभा से नीरज मित्तल के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम के साथ मनाया और विभिन्न प्राणायाम करने के बाद इस दिवस को यादगार मनाया। आज इंटरनेशनल योगा डे का दिन है और ये योगा के लिए मैंने जो है अपने स्कूल के सभी कर्मचारियों को व स्कूल के अन्य स्टाफ को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि योगा एक बहुत ज़रूरी पार्ट है काम करने का, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूँगा कि योगा जो है शरीर को बहुत फिट रखता है, और एक घंटे का समय अपने शरीर के लिए अवश्य दें, डॉक्टरों से बचें, योगा अपनाएं, दवाइयों से बचें, योगा अपनाएं। आज
मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो इस योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं योगा की जो टीचर हमारी श्रीमती रितु दीदी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। वह हमारे डॉक्टर सौभाग्य मिश्रा जो हॉस्पिटल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं, वह एज ए मुख्य अतिथि यहाँ पधारे, और वह अन्य मेरे बड़े बुजुर्ग श्री सतीश धीर जी, श्री विनय गुलाटी जी, श्री सुरेश गुप्ता जी व श्री नजमुल इस्लाम साहब, अवधेश अग्रवाल जी, नाविदुर रहमान जी, श्री विशाल अग्रवाल जी, श्री उदय सरन जी, श्री प्रमोद खन्ना जी व अन्य सभी मेरे बुजुर्ग व मेरे दोस्त यहाँ एकत्रित हुए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह का आयोजन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग आगे भी निश्चित रूप से करते रहेंगे। मैं नबील अहमद, मेंबर COA, मेंबर EPCH, और आज इस योगा डे पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो आयोजन यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल, एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है वो सराहनीय है, और इस तरह के आयोजन योगा शिविर लगने चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने नीरज खन्ना जी का, जिन्होंने इस तरह की योगा डे का आयोजन किया। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि योगा करें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। योगा दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तद्वार में आज विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रितु नारंग जी द्वारा सभी आए हुए मेहमानों को योग कराया गया और एक संदेश दिया गया कि अगर योग रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। इस कार्य के लिए श्री नीरज खन्ना जी ने पहल की है कि विवेकानंद हॉस्पिटल में ये कार्य करके हम सबको बुलाकर सम्मानित किया गया, और उनका एक उद्देश्य है कि मेरा प्रयास ही रहेगा कि मुरादाबाद शहर में, ज़िले में और आसपास जहाँ भी हो सके, मैं योग की अलग जगह कर लोगों को इस काबिल बनाऊँ कि उनको अस्पताल आने की आवश्यकता ना पड़े। हम उनके साहस की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नीरज जी की हमेशा इसी प्रकार से अच्छे कामों में सद्बुद्धि बनी रहे, वो इस प्रकार के शिविर लगाते रहें, और जिससे सारा मानव समाज का कल्याण हो। थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है, और मुरादाबाद में श्री नीरज खन्ना मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और एक बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण और अच्छी इवेंट है ये, और इसका पूरा जो है इसका सब एक बड़ी स्पेशलाइज जो योगा कराने वाली हैं रितु नारंग, उनको यहाँ बुलाया गया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से योगा जो है कार्यक्रम करवाया है यहाँ पर। और मैं सुरेश कुमार गुप्ता नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IAS से हूँ, और मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से कि, और मैं जितनी तारीफ़ करूँ मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की और सब लोगों की, उतना ही कम है। मैं प्रमोद खन्ना, गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल की तरफ से आज यहाँ आया हूँ, और इसमें योगा के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया, और ये प्रोग्राम मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से होता आ रहा है, और इसमें जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये, और आगे को भी ऐसे ही होता रहेगा, और मेरी शुभकामनाएँ हैं। इसमें नीरज खन्ना की ओर से बहुत बड़ा सहयोग है, उनके सहयोग के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इंटरनेशनल योगा डे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग है ज़रूरी, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो योग करिए और स्वस्थ रहिए। आज एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल, एशियन विवेकानंद नर्सिंग हॉस्टल और एशियन विवेकानंद मुराद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो योग का शिविर लगाया गया, जिसमें माननीय रितु नारंग जी ने सबको योग करवाया, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, अस्पताल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करा और हम सबको प्रेरित करा कि हम लोग भी सब लोग योगा करें। इसी के साथ मैं सभी को आज ये बताना चाहता हूँ कि योगा करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं विवेकानंद ट्रस्ट हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूँ, और आपके सेक्रेटरी नीरज खन्ना जी को, जो आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने मुरादाबाद के नियातक
व्यापारियों को, डॉक्टर्स को बुलाकर योगा कराया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दीदी ऋतु नारंग जी को, जिन्होंने योगा के माध्यम से सबको फिट करने की सलाह दी और कराई। पुनः एक बार मैं फिर से नीरज खन्ना जी को संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, आज आपको पता होगा कि मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर जो योगा, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है, उसमें हमारे महासचिव विवेकानंद हॉस्पिटल के श्री नीरज खन्ना जी द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर सौभाग्य मिश्रा जी और एशियन के सभी एशियन के सदस्य और मेंबर्स और हमारे यश के नेशनल चेयरमैन मुरादाबाद एमएचईए के नीरज खन्ना जी, अवधेश अग्रवाल जी, नाविदुर रहमान साहब, ये नबील अहमद और नदीम अहमद, ये सभी लोग उपस्थित थे। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से इस दिन को मना रहे हैं और ये पूरे देश विदेश में सभी जगह मनाया जा रहा है। आज हमारे नीरज खन्ना जी द्वारा जो ये पहल की गई है, ये हमेशा आगे तक चालू रहेगी कि बच्चों को इस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का योगा के रूप में उनको योगा कराते रहें और घर के अंदर उन्हें सुरक्षित रखें, उनको बाहर ना निकालें और उनको किसी भी तरह की जो अगर मान लिया बच्चों को परेशानी आती है, उन्हें तुरंत डॉक्टर के यहाँ पर लेके जाएं और उसको उसका इलाज कराएं। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी 30 बेड का सब अलग बच्चों के लिए तैयार हो चुका है और जगह जगह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सब जगह जगह इस तरह के हॉस्पिटल तैयार कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पहले से ही इस बार इंतजाम कर लिया, और भारत के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बार पहले से ही इस कोरोना वायरस को लेकर वो चिंतित थे और उन्होंने इसके सारे इंतजाम कर लिए हैं। मैं दोबारा से फिर सभी जनता से अपील करता हूँ कि इंटरनेशनल योगा दिवस को आप एक दिन के लिए ना मनाएं, इसको आप हल्का हल्का योगा अगर दिन भर करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि इस योगा को दिन प्रतिदिन, जैसे कि आप दिन पर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालें और इस योगा को ना के एक चिकित्सा जैसे मशवरा देता है, वो पैसे लेता है, आपको फीस लेता है, ये बिना फ्री का एक इलाज है, आप इसको स्वयं कर सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।